नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र दरबार। मैं आपके साथ नेहा। आज का हमारा मुद्दा है, कौन है वो बीजेपी सांसद जिन्होंने कांग्रेस गठबंधन जीत की भविष्यवाणी की थी और उस बैठक में भी शामिल हुए थे जिसका पार्टी ने बहिष्कार किया था। आज इसी विषय पर होगी चर्चा। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी, उमस के बाद दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर यूपी और बिहार में लाल चेतावनी जारी कर दी गई है। आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में फिर तेज बारिश आने की संभावना जताई गई है। दूसरी सुर्खी, शराब की दुकानों पर अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों की आभासी बैठक हुई। बैठक में ADM वित्त व राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि यदि किसी भी दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेची जाती है तो पहली बार में 75,000 और दूसरी बार में 1.5 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी सुर्खी, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने यह आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया है और कहा कि दिल्ली सरकार की गंभीरता को ऐसे ही देख सकते हैं कि 2 दिवसीय मानसून सत्र में इसको लेकर चर्चा तक नहीं हुई और ना ही विधानसभा में विधायकों ने इस मुद्दे को उठाने की जहमत उठाई है। चौथी सुर्खी, सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक देश में वर्ष 2017 से 19 के बीच 14 से 18 आयु वर्ग के 24,000 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनमें परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से आत्महत्या करने के 4,000 से अधिक मामले हैं। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी के कदमों से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कंफ्यूज हो गया है कि आखिर वह किस तरफ है। उनके बयान और कदम कई बार पार्टी लाइन से इतर चले जाते हैं। हाल ही में केरल विधानसभा चुनावों के दौरान गोपी खुद बीजेपी प्रत्याशी थे, बावजूद इसके उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के उम्मीदवार को गुरुवायूर सीट जीतनी चाहिए। उनके इस बयान से सियासी भूचाल आ गया। इसी बीच माकपा नेताओं ने चुनावों में कांग्रेस भाजपा के बीच गुप्त समझौते का आरोप भी लगाया था, जिसके कारण पार्टी की खूब किरकिरी हुई थी। एक बार फिर सुरेश गोपी पार्टी लाइन से अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण पार्टी आलाकमान नाराज बताए जा रहे हैं। गोपी ने पिछले हफ्ते IT पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा ले लिया, जबकि पैनल में मौजूद बीजेपी के सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया था। कमेटी की बैठक से पहले बीजेपी ने पैनल के अपने सदस्यों को बुलाया था और बैठक का बहिष्कार करने की बात कही थी, लेकिन गोपी इस बैठक में मौजूद नहीं थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी पैनल के सदस्यों ने जहां स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का बहिष्कार किया, तो इसके उलट सुरेश गोपी बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। उनके इस कदम से पार्टी के नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरेश गोपी राजनेता के साथ साथ अभिनेता और प्लेबैक सिंगर टेलीविज़न होस्ट भी हैं। उन्होंने मलयालम फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। आपको बता दें कि सुरेश गोपी ने साल 2016 में राजनीति में कदम रखा था। साल 2019 के आम चुनाव में उन्होंने त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, यहां वह हार गए थे। इसके बाद वह केरल विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का झंडा लेकर उतरे थे, लेकिन वहां भी हार गए थे। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या केरल भाजपा में अंदरूनी कलह पैदा हो गई है या वहां के स्थानीय नेता अपने राज्य के शीर्ष नेताओं से खुश नहीं हैं। इस वजह से राज्य के नेता पार्टी लाइन से अलग जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्र दरबार में आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मीडिया दरबार। धन्यवाद।